यस वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज़ प्रवीण ऐश्वर्या एजुकेटर एट लर्निंग पावर और शुरुआत करेंगे आज हम लोग सी टेट मैथ्स पेपर वन के इस सेशन से और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शंस को और आप सभी को बता दूं कि फ्रैक्शन का हमारा ये दूसरा लेक्चर है सेकंड लेक्चर है इससे पहले हमने एक लेक्चर दिया था जिसमें फ्रैक्शन्स के रूल्स को देखे थे ये किस तरह से लाइक like फ्रैक्शन होते हैं वो एक बार मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ उसके बाद आज के सेशन में हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखें ये किस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो शुरुआत करते हैं आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से पार्ट हमने कवर किए हैं तो हमने वाटर फ्रैक्शन कवर किया है ठीक है उसके बाद हमने कवर किया है फ्रैक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन नोमरेटर डिनोमिनेटर कवर किया है हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कवर किए हैं और जिसमें हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शन like से लेकर अनलाइक फ्रैक्शन तक सभी फ्रैक्शंस को कवर किया आप ये देख सकते हैं हमने कवर किया यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन कवर किया अनलाइक फ्रैक्शन इक्वेलेंट फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रोपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन इन सभी फ्रैक्शंस के डेफिनीशन्स को देख चुके हैं और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रोपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको भी कवर किया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको भी कवर किया था आज के इस सेशन में हम लोग जो कवर करने वाले हैं उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो तो आज के इस सेशन में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ऑप्शंस वगैरह वाले क्वेश्चन जो हैं जब आगे हमारा क्वेश्चन सेट चलना शुरू होगा प्रैक्टिस सेट शुरू होगा तो वहाँ पर आप प्रॉपर आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन मिलेंगे आज का ये सेशन डायरेक्ट क्वेश्चन वाला है जिसको देखते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये जो आप देख पा रहे हैं बोला गया है रूल्स फॉर सिम्प्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस के रूल्स यहाँ पर सिम्प्लीफिकेशन के अलग अलग होते हैं और उन रूल्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और पहला रूल जो हमारा रूल नंबर वन कहता है रूल नंबर वन हमारा कहता है क्या कहता है रूल नंबर वन Uh, कहता है कि देयर आर सम रूल्स वी शुड नोन नो बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन के बेस पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ रूल्स को यूज़ करते हैं और ये रूल्स कैसे होते हैं तो पहला रूल हमारा यहाँ पर आ रहा है रूल नंबर वन इसे कहते हैं रूल नंबर वन ये क्या कहता है कि बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है वी शुड मेक श्योर दैट द डिनोमिनेटर्स आर इक्ल ठीक है तो हमें किसी फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि क्या इसके डिनमिनेटर्स हैं वो इक्वल हैं अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल्स होंगे तो क्या होगा डिनोमिनेटर इक्वल होने पर हम डायरेक्टली उसके नोमरेटर को नोमरेटर के साथ ऐड कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख सकते हैं बड़ा आसान होता है जब हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं ठीक है तो यही यहाँ पर कहा गया है कि डिनोमिनेटर अब डिनोमिनेटर नोमरेटर को दोबारा से मैं रिमाइंड करा दूँ कि डिनोमिनेटर डिनोम नोमरेटर क्या होता है तो ये पी बाई क्यू फॉर्मेट में होता है ठीक है डिनोमिनेटर कहते हैं इसे और इसे नोमरेटर कहते हैं ठीक है नोमरेटर और ये डिनोमिनेटर ठीक है तो ऊपर वाला नोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर क्या बोला गया कि इसको हमें इक्वल करना होता है अभी इस पे बेस क्वेश्चन देखेंगे ठीक है इसके तीन चार रूल है तीन रूल्स हैं उन रूल्स को देख लेते हैं किस तरह से हम एडिशन ऑफ्ट्रैक्शन करते हैं कैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो सॉल्व करेंगे और कैसे हमारे पास डिवीजन आ जाएगा ठीक है तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन को कंबाइन कर लिया है और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रूल्स को आगे अगले स्लाइड में हम लोग कवर करेंगे ठीक है बोला गया कि द एडिशन एंड पॉसिबल विद द कॉमन डिनोमिनेटर जब हमारा डिनोमिनेटर कॉमन होगा सेम होगा तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है ठीक है तो ये पहला रूल कहता है ये आपको यहां से आ जाएगा ट्रू फॉल्स में क्या रहेगा बोला जाएगा कि द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आर पॉसिबल विद कॉमन डिनोमिनेटर ठीक है ट्रू है या फॉल्स है ऐसे करके तीन स्टेटमेंट देंगे उसमें से एक स्टेटमेंट ये भी होगा ठीक है तो यहां पर कॉमन डिनोमिनेटर कह रहा है हो सकता है इसको फॉल्स बनाना हो तो यहाँ पर कोई एक वर्ड चेंज कर दें ताकि ये फॉल्स हो जाए ठीक है तो इसको ध्यान में रखिएगा पहला रूल नंबर हमारा ये कहता है ठीक है जैसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताओ जैसे ये थ्री अपॉन सेवन है और यहां पर फाइव अपॉन सेवन है तो अब देखिएगा यहां पर भी सेवन डिनोमिनेटर है और यहां पर भी सेवन डिनोमिनेटर है तो जब दोनों सेवन डिनोमिनेटर हो गया तो नोमिनेटर को कर देंगे थ्री प्लस फाइव और नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर सेवन ये हमारा आंसर आ जाएगा एट अपॉन सेवन ठीक है कब जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा ठीक है लेकिन जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो कैसे करते हैं तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के लिए क्या करते हैं इसको इरेज करते हैं और फिर डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला देखते हैं तो डिफरेंट डिनोमिनेटर में क्या होगा अब जैसे देखिए थ्री अपॉन सिक्स थ्री नहीं लेते हैं कुछ और ले लेते हैं फाइव अपॉन सिक्स प्लस टू अपॉन टू नहीं ऑर्डर नंबर लेते हैं थ्री अपॉन एट ठीक है थ्री अपॉन एट ले लिया अब देखिएगा यहां पर क्या है कि ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है यहां पर डिनोमिनेटर सिक्स है और यहां पर डिनोमिनेटर एट है तो इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें इन दोनों को के डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा डिनोमिनेटर तो इक्वल कैसे करेंगे तो हमारे पास दो मेथड है अब क्या दो मेथड है तो सबसे पहले हम करेंगे इसका एलसीएम तो एलसीएम ऑफ सिक्स एंड एट ठीक है अब देखिए सिक्स एंड एट सिक्स और एट का एलसीएम जब हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे सिक्स और एट का तो जो बड़ा वाला डिजिट है उसको पकड़ेंगे ठीक है और इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन सिक्स के टेबल में नहीं आता थ्री से करेंगे तो जाएगा ट्वेंटी फोर अब देखिए एट के टेबल में भी ट्वेंटी फोर आता है सिक्स के टेबल में भी ट्वेंटी फोर आता है तो हमारा एलसीएम क्या हो गया ट्वेंटी फोर हो गया ठीक है दूसरा अगर एलसीएम नहीं निकालने आता तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए लेकिन ये वाला जो आएगा इसको फिर से आपको आगे चल के सिंप्लीफाई करना होगा तो ये वाले मेथड बाद में देखेंगे फिलहाल अभी इसको देखते हैं तब तो हमारा ट्वेंटी एट आ गया तो अब क्या करेंगे फाइव ये सिक्स है यहां से दो मेथड मेथड बनता है पहला मेथड मैं ऐसे बता रहा हूं यहां पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे चार मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी फोर आएगा तो ऊपर भी चार से मल्टीप्लाई ठीक है अब देखिए यहां पर आठ पहले से है क्या मल्टीप्लाई करेगी ट्वेंटी फोर आए तो तीन मल्टीप्लाई तो ऊपर भी हमें तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अगला आ जाएगा हमारा बीस अपॉन ट्वेंटी फोर प्लस नाइन अपॉन ट्वेंटी फोर और ये आ जाएगा ट्वेंटी नाइन अपॉन ट्वेंटी फोर इस तरह से हम डिनोमिनेटर को सेम कर लिए ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी फोर नाइन अपॉन ट्वेंटी फोर और फिर दोनों को ऐड कर दिया हमारा आंसर यह आ गया ठीक है तो इस तरह से जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो सॉल्व करते हैं आगे की स्लाइड्स में इस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं मैंने जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए होगा कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगा और कुछ आपको खुद करना पड़ेगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आगे ये हमारा पहला रूल हो गया अब हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन वाले रूल पे तो मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है तो बोला गया रूल नंबर टू यहां पर दिख रहा होगा आपको रूल नंबर टू कहता है क्या कहता है रूल नंबर टू कि वेन मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शन देन द नोमनेटर्स आर मल्टीप्लाईज एज वेल एज द डिनोमेटर्स आर मल्टीप्लाइड लेटर सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन ठीक है जैसे कि यहां पर दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना जैसे थ्री अपॉन सेवन मल्टीप्लाई एट अपॉन फाइव ठीक है ये थ्री अपॉन सेवन हो गया और ये एट अपॉन फाइव है अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में हम देखेंगे कि नोमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको सिंप्लीफाई कर सके तो हम क्या करेंगे जैसा कह रहा है कि नोमरेटर्स आर मल्टीप्लाइड एज वेल एज डिनोमिनेटर्स आर मल्टीप्लाई ठीक है तो अब क्या करना है हमें नोमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है तो नोमरेटर में हमारा आ गया थ्री मल्टीप्लाई एट और डिनोमिनेटर में आ गया सेवन मल्टीप्लाई फाइव ठीक है तो यहां पे आ गया ट्वेंटी फोर और यहां पे आ गया थर्टी फाइव अगर सिंप्लीफाई होने वाला होता दोनों किसी एक के टेबल में आते तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे ठीक है तो ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते इसीलिए हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे ठीक है अब आते हैं यहां पर अगले इस तरह से हो जाएगा अभी इसमें और भी कई सारी चीजें हैं जब जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के साथ साथ उस रूल्स को भी देखेंगे कि नोमरेटर को एक नमरेटर और एक डिनोमिनेटर अगर किसी कॉमन नंबर में आ रहा होगा तो हम उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो वाला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में अभी आगे आने वाला है ठीक है अब आते हैं हम लोग आगे अगला स्लाइड कहता है क्या कहता है कि वेन वी डिवाइड अ फ्रैक्शन फ्रॉम अनादर फ्रैक्शन वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई विद फर्स्ट वन टू गेट द आंसर ठीक है अब देखिए क्या कह रहा है डिवाइड की बात की गई है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहला हमारा एडिशन सफ्रैक्शन था उसके बाद मल्टीप्लीकेशन हुआ अब रूल नंबर थ्री कहता है हमें डिवाइड का तो डिवाइड में सपोज करिए कि यहां पर रहेगा 11 डिवाइड बाई फोर अपॉन थर्टीन ठीक है इस तरह से कुछ ठीक है अब क्या कहता है कि वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर फ्रैक्शन तो क्या करना है थ्री अपॉन इलेवन ये तो रहेगा ही अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे उससे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा मीन्स कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे ठीक है तो अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा अब देखिए सेम वैसे आ गया जो कि हमने पहले स्लाइड में किया था सेम वैसे ही आ गया कि जब मल्टीप्लाई वाला हो तो नोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर सिमिलरली अब हम यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर आंसर विल बी थर्टी नाइन अपॉन फोर्टी फोर ये हमारा आंसर हो जाएगा तो इस तरह से हम दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब हमारे पास डिवाइड वाला होता है तो तीन केस देखे तीनों केस के एक एक, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको दिखाए अब यहां से हमारा शुरू होता है क्वेश्चन आंसर सेशन और अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ सेवन होल जो ये वाला है ना आप इस स्टार को पढ़िएगा होल वन अपॉन एट ठीक है आप ऐसे पढ़िएगा इसको सेवन मिक्स फ्रैक्शन पिछले क्लास में मैंने बताया था फ्रैक्शन की क्लास थी ठीक है ये फ्रैक्शन की दूसरी क्लास है जो लोग पहली बार आए हैं इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा चैनल के प्ले में जाइएगा वहां पर आपको दिख जाएगा और वहां से सारे लेक्चर देखिएगा आपको सारी चीजें समझ में आती आ जाएगी ठीक है अब आते हैं यहां पर क्या बोला गया यहां पर जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि रेसिप्रोकल ऑफ दिस तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफाई इन द सेंस कि हम करेंगे इसको इम्प्रोपर फ्रैक्शन में तो मिक्स टू इम्रोपर करने का रूल बताया था रूल क्या कहता है कि सेवन मल्टीप्लाई एट प्लस वन दोनों क्या होते हैं मल्टीप्लाई और अपॉन में यहां पर डिनोमिनेटर एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स और एक फिफ्टी सेवन अपॉन एट अब बोल रहा है क्या इसका रेसिप्रोकल करो तो इसका रे, रेसिप्रोकल करेंगे तो एट अपॉन फिफ्टी सेवन ठीक है अब ऐसे तो हम इसको सॉरी फिफ्टी सेवन नहीं फिफ्टी एट क्योंकि एट सेवन जा छप्पन एक सौ ठीक है तो ये हमारा आंसर हो गया एट अपॉन फिफ्टी सेवन ठीक है तो ये रेसी प्रोकल हो गया अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बोला कि एट बॉयज शेयर्ड टू फिफ्थ ऑफ अ केक इक्वली वट फ्रैक्शन ऑफ द केक डिड ईच बॉय गेट ठीक है अगर आपको आता है तो आप लेक्चर को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा ठीक है और उसके बाद हमारा आंसर मैच कीजिएगा ठीक है आप देखेगा यहां पर जो जिन लोगों को नहीं आता वो लोग देखिए बोला कि एट बॉय शेयर टू अपॉन फाइव ऑफ अ केक इक्वली ठीक है तो कितना टू अपॉन फाइव तो ये केक है और क्या बोल रहा है इसको डिवाइड करना है कितने आठ लड़कों में ठीक है यहां तक तो समझ में आ गया अब क्या करना है टू अपॉन फाइव रहेगा आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसे कोई नंबर दे दे तो इसके नीचे वन छुपा होता है ठीक है जब इसके नीचे वन छुपा हुआ है और डिवाइड को करना क्या होता है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल तो ऊपर वन चला जाएगा और नीचे एट आ जाएगा ठीक है अब देखिए एक नोमिनेटर और एक डिनोमिनेटर कॉमन है टू फोर जा एट एक नोमरेटर के टेबल में दूसरा डिनोमिनेटर आता है तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया टू के टेबल में फोर जा एट आता है ठीक अब ऊपर क्या आ गया वन और नीचे आ गया फाइव मल्टीप्लाई फोर हमारा आंसर क्या जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी दिस इज द राइट आंसर ये हमारा सही आंसर है ठीक है तो इस तरह से हमने क्या किया हर बच्चे को कितना मिलेगा वन अपॉन ट्वेंटी पार्ट ठीक है आगे आते हैं ये हमारा आंसर है कोई भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ठीक है अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ग्रेटर ठीक है इसमें से कौन सा ग्रेटर है पहले दिया है होल और दूसरी तरफ बोल रहा है कि थ्री होल वन अपॉन सेवन ठीक है अब इसमें बड़ा कौन सा है है ना तो उसको देखते हैं तो ये हो गया हमारा इसको मल्टीप्लाई इसको प्लस तो थर्टी फाइव और एक थर्टी सिक्स अपॉन सेवन और इधर आ गया इक्कीस और एक बाईस अपॉन सेवन ठीक है अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है जब डिनोमिनेटर सेम है तो ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर नंबर इज स्मॉलर ठीक है अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता तो फिर हम देखते लेकिन डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर स्मॉलर स्मॉलर नंबर इज ऐसे भी आपको देखेंगे तो वैसे भी हम लोग इसको कर सकते थे ठीक तो है तो यहां पर थर्टी सेवन अपॉइंट फाइव मीन की फाइव होल अपॉइंट सेवन ग्रेटर है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे अगला जो है यहां पर बोला कि what is the half of 60? बड़ा आसान क्वेश्चन है हाफ ऑफ सिक्स मैं इसको बस ऐसे करके छोड़ देता हूं हाफ ऑफ सिक्स का मतलब है वन अपॉन टू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और यहां पे सिक्सटी टू के टेबल में सिक्सटी आता है थर्टी टाइम्स हमारा आंसर आ गया है थर्टी ठीक है इस तरह से बड़े इजी इजी क्वेश्चंस हैं इजी इसलिए रखा है कि बेसिक टू एडवांस कर रहे हैं आप ऐसा मत सोचिएगा कि आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपके पेपर में आएगा ये तो उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं बिगिनर्स के लिए है ये वाला ताकि बिगिनर्स को भी समझ में आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और आप कैसे सॉल्व करेंगे तो ये बेसिक्स हैं और जिन वही पेड़ आंधी तूफान से बर्दाश्त करता है जिसकी जड़ मजबूत होते हैं तो यह समझ लीजिए कि एक तरह से जड़ मजबूत करने वाली बात हो रही है है ना मीन्स कि हम उस पौधे को मजबूत कर रहे हैं जो कि आंधी तूफान को बर्दाश्त कर सके आप समझ सकते हैं पेपर में जब मुश्किल क्वेश्चन आते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है आंधी तूफान चलता है और उस आंधी तूफान को शांत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको अपने जड़ को मजबूत करना पड़ेगा ठीक है तो जो लोग जिनका जड़ कमजोर है वो लोग ऐसे करके मजबूत कर सकते हैं मेरे साथ उसके बाद तो आंधी तूफान वाले क्वेश्चन तो आने ही है ना और कैसे आंधी तूफान उठेंगे वो भी दिखाएंगे आपको ठीक है अब आते हैं यहां पर क्या बोला गया कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ देखिए अब क्या कह रहा है पहला बोल रहा है कि डिफरेंस तो निकालना है लेकिन किसका पहले सम और उसके बाद उसका प्रोडक्ट और उसका डिफरेंस। सबसे पहले क्या करते हैं हम सम निकालते हैं ठीक है तो जाहिर सी बात है जब दो नंबर को सम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला ज्यादा होगा है ना तो सबसे पहले हमारे पास सम सम पे पे आते हैं। सम पे क्या कहता है कि टू होल वन अपॉन फोर और सम का मतलब प्लस वन होल फोर अपॉन फाइव ये हो गया फोर टू जा एट प्लस वन नाइन अपॉन फोर प्लस फाइव बन जा फाइव और फोर नाइन अपॉन फाइव ठीक है अब यहां पर आ गया अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा यहां पे नोमिनेटर डिफरेंट है है ना डिनोमिनेटर तो सॉरी डिनोमिनेटर डिफरेंट है नोमिनेटर सेम है तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा बीस बीस आ जाएगा ना तो हम क्या करेंगे फोर फाइव जा ट्वेंटी और इधर हो जाएगा एक काम करते हैं दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं रुकिए कौन सा मेथड तो आप देखिए ये है ना तो हम क्या करते हैं नीचे लिख लेते हैं फोर मल्टीप्लाई फाइव और ये फोर से फोर मैच कर गया तो इस फाइव से इसको मल्टीप्लाई ठीक है प्लस इस फाइव से इस फाइव को मैच कर लिया तो इस फोर से मल्टीप्लाई ठीक है अब देखिए जैसे कि फोर था इस फोर से ये फोर मैच कर गया तो हम इस फाइव से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिए इस फाइव से ये वाला फाइव मैच कर गया तो हम इस फाइव इस फोर से इस नाइन में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिए तो ये ऊपर आ गया हमारा फोर्टी फाइव प्लस छत्तीस अपॉन बीस और आंसर आ गया यहाँ हम पर हमारा ग्यारह वन सात और एक आठ एट्टी वन अपॉन ट्वेंटी ये आ गया हमारा सम उसके बाद कह रहा है इसका प्रोडक्ट निकालो तो प्रोडक्ट क्या तो इसका आ जाएगा नाइन अपॉन फोर मल्टीप्लाई नाइन अपॉन फाइव मैंने डायरेक्ट कर लिया ये क्योंकि सिंप्लीफाई करके ये आया ही है इसका हमने तो डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पर ठीक है अब देखिए प्रोडक्ट में क्या होगा तो नाइन नाइन जी वन अपॉन फाइव फोर जा ट्वेंटी क्यों क्योंकि प्रोडक्ट में जब हमने किया था तो उस समय आपको बताया था क्या बताया था कि जब नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इसका सम भी आ रहा है वही एट्टी वन अपॉन ट्वेंटी और प्रोडक्ट भी आ रहा है एट्टी वन अपॉन ट्वेंटी ठीक है जैसे टू टू या फोर ना टू प्लस टू भी फोर होता है और टू मल्टीप्लाई टू भी फोर ही होता है ठीक है तो सिमिलरली यहां पर वैसा ही समथिंग कुछ दिख रहा है ठीक है तो अब देखिएगा यहां पर एट्टी वन अपॉन ट्वेंटी आ गया है अब बोल रहा है कि इसका डिफरेंस निकालिए ठीक है थीके? तो डिफरेंस ये तो हो गया प्रोडक्ट ठीक है अब डिफरेंस निकालना है तो 81 वन अपॉन ट्वेंटी माइनस एट्टी वन अपॉन ट्वेंटी हमारा आंसर क्या आ जाएगा जीरो ठीक है तो इस तरह से ये आ गया आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा 81 वन अपॉन ट्वेंटी आ गया ठीक है एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं कहीं शक हो तो फोर फाइव ज ट्वेंटी पैंतालीस आ गया और छत्तीस ठीक है छत्तीस प्लस पैंतालीस ठीक है ठीक है तो इस तरह से हम सब डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा ये जीरो आंसर आ जाएगा ठीक तो ये हमारा था जिसमें हमें सम और प्रोडक्ट जो आएगा उसका डिफरेंस निकालना था हमने निकाल करके आपको दिखाया अब आते हैं आगे अगला क्वेश्चन कहता है कि विच इज ग्रेटर क्या 23 थ्री अपॉन ट्वेंटी और इधर वन दिया तो वन अपॉन वन कर लेते हैं ठीक है जब ऐसे क्वेश्चन ना तो हम क्या करते हैं या तो आप देख लीजिए देखिए कि इसको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे ठीक है तो आपका आ जाएगा ट्वेंटी थ्री और इसको इसको, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव इज ग्रेटर मीन्स की ये वाला जो है बड़ा है ये वाला बड़ा है वैसे भी अब देखिए ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव होता तब इसको सिंपलीफाई करते तो वन आता लेकिन ऊपर तो ट्वेंटी थ्री अपॉन ट्वेंटी फाइव है तो जाहिर सी बात है ये कम होगा है ना जीरो पॉइंट समथिंग होगा ट्वेंटी फाइव अगर है तो जीरो पॉइंट समथिंग आएगा ठीक है तो अब क्या करेंगे इधर समथिंग समथिंग आएगा और इधर वन है तो जाहिर सी बात है वन ग्रेटर होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है ठीके? और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको पहले बार और इसको दूसरी बार लिखेंगे और हमारा इस तरह से ग्रेटर आ गया है इसका मतलब ये वाला वन इज ग्रेटर ठीक है अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ सेवनटीन अपॉन नाइनटीन ऑफ द कप ऑफ ऑफ द कप इज फिल्ड देन वट फ्रैक्शन ऑफ द कप इज इम्पटी ठीक है तो सेवनटीन अपॉन नाइनटी फिल्ड है ठीक है तो पूरा फुल होता तो वन होता ठीक है अब इसमें से माइनस कर लीजिए सेवनटीन अपॉन नाइनटीन तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा एल हो जाएगा हमारा नाइनटीन जाएगा नाइनटीन माइनस सेवनटीन टू अपॉन नाइनटीन ये क्या है खाली है ये आपका आंसर है ठीक है तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा बहुत आसान है इस तरह के क्वेश्चन करना ठीक है फिर भी अगर कोई डाउट है फिर कोई मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप प्रश्न कर सकते हैं आपके सभी प्रश्न का स्वागत है ठीक है अगला बोल रहा है कि अ फैमिली ईट्स वन होल टू अपॉन थ्री केक्स इन अ मील विल थ्री केक्स बी इन अर टू मील है। तो आप देखना है सबसे पहले तो एक मील में कितना लग रहा है वन होल टू अपॉन थ्री ठीक है तो ये हो गया थ्री वन जा थ्री और टू फाइव अपॉन थ्री और दो मील बोला जा रहा है ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा फाइव टू जेन अपॉन थ्री और क्या ये हो गया टेन अपॉन थ्री केक रिक्वायरमेंट होगी कितने दो मील के लिए एक मील के लिए है इतना तो दो मील के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर लिए ठीक है तो ये टेन अपॉन थ्री आ गया बोल रहा है कि फॉर टू मील्स है ना तो एक तरफ हमारे पास है तीन केक और अब अब देखिए ये टू मील के लिए इतना हो गया हो गया अब देखिए टेन अपॉन थ्री और थ्री में कौन ग्रेटर है ठीक है तो अब देखिएगा ये जो है ये छोटा हो जाएगा क्यों छोटा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा क्योंकि ये थ्री थ्री जीन थ्री पॉइंट थ्री थ्री समथिंग आ जाएगा और ये थ्री है मीन्स की इतना ज्यादा चाहिए इसका मतलब है कि दो मील में तीन केक जो है इसको फुलफिल नहीं करेगा 3.3 चाहिए है ना तो ये इतना कम हो जाएगा मीन्स कि 0.33 इतना की और रिक्वायरमेंट होगी इसका मतलब है कि नॉट इनफ़ इनफनफ नहीं है क्यों क्योंकि घट जाएगा कितना घट जाएगा तो 0.33 से घट जाएगा ठीक अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन बोला कि सॉल्व द फॉलोइंग वही क्वेश्चन अपॉन टू ये वाला मिल रहा है ट्वेंटी टू अपॉन सेवन प्लस एट अपॉन इलेवन ये वाला मल्टीप्लाई वाला है क्या कहता है थर्टी टू अपॉन नाइन मल्टीप्लाई एट्टी वन अपॉन फोर ठीक है और यह है फोर्टी फोर अपॉन नाइन डिवाइड बाय थर्टी सिक्स अपॉन फोर तो इस तरह के क्वेश्चन है ये चार क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप यहाँ भी देख सकते हैं और ये क्वेश्चन भी है ये आपका काम है ये आपको प्रैक्टिस के लिए है आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ठीक है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने वाले स्लाइड्स में, में है और उसको भी दिखाऊंगा अब बोला है कि रिड्यूस कितना 35 फाइव अपॉन एट्टी फोर टू सिंपलेस्ट फॉर्म ठीक है तो 35 फाइव अपॉन एट्टी ठीक है अब देखिए सात के टेबल में आएगा सात के टेबल में पांच बार में और ये बारह बार में टन या एटी फोर होता है ठीक है तो अब हमारा क्या हो गया फाइव अपॉन ठीक है ये अगर नहीं आता तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा पैंतीस और चौरासी का एच सी एफ निकालना पड़ेगा ठीक है दूसरा मेथड दिखा रहा हूं ठीक है सपोज करिए आपको नहीं पता कि सात के टेबल में दोनों आता है फिर क्या करेंगे तो फिर क्या करेंगे वो देखिए फिर करेंगे आप पैंतीस दो बार में करेंगे तो सत्तर बचेगा यहाँ पे चौदह अब ये पैंतीस नीचे आ जाएगा दो बार में करेंगे तो अट्ठाईस बचेगा यहाँ सात फिर ये वाला चौदह यहाँ आ जाएगा चौदह दो बार में चौदह तो पूरा पूरा कट गया है और हमारा एच क्या हो गया है सात सात आ गया अब क्या करेंगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था थर्टी फाइव अपॉन एट्टी फोर क्या करेंगे डिवाइड बाई सेवन और ये भी डिवाइड बाई सेवन तो यहाँ पे आ जाएगा पाँच और यहाँ पे आ जाएगा बारह आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझसे ये वाला सिंप्लीफाई नहीं होगा कि किसके टेबल में कौन सा आ रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे इस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से एच निकालेंगे और इस तरह से आपका हो जाएगा ये एच सी की क्लासेज मैंने जो है वो करा करा दिया है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के नाम से वो लेक्चर हमारे प्ले में होगा जहां से आप जा के उसको देख सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो तो वहां पर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ठीक है अब आते हैं आगे आगे क्या कहता है तो इतने सारे क्वेश्चन हैं यह है आई होप कि आपको दिख रहा होगा सेवन अपॉन टेन अपॉन थ्री अपॉन टेन दूसरा यहां पे कहता है कि 14 अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव एक्चुअल में ये ज्यादा क्वेश्चन हो गया है यहां पर ठीक है मुझे इसको और लार्ज स्केल पे करना चाहिए था ठीक है ये 5 अपॉन सेवन प्लस थर्टीन अपॉन ट्वेंटी एट प्लस थ्री अपॉन फोर चौथा क्वेश्चन कहता है कि 7 माइनस थ्री अपॉन ट्वेल्व फिफ्थ कहता है 8 अपॉन फिफ्टीन प्लस नाइनटीन अपॉन थर्टी माइनस फोर अपॉन फाइव ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर डिवाइड वाला भी एक ले लिया है मैंने सिक्सटीन अपॉन फोर्टी फोर एट अपॉन इलेवन सातवा है यहाँ पर सिक्स अपॉन थर्टी वन सिक्सटी टू अपॉन एटीन ये सारे क्वेश्चन आपके लिए है ठीक है मैं एक क्वेश्चन फर्स्ट और एक लास्ट करके आपको दिखाता हूं फर्स्ट और लास्ट देखिए एक है सेवन अपॉन टेन प्लस थ्री अपॉन टेन आपको सीधा सीधा क्या करना है डिनोमिनेटर सेम है तो सिंगल डिनोमिनेटर लिखिए और सेवन प्लस थ्री ऊपर भी आ गया हमारा टेन और नीचे भी टेन टेन से टेन कटा हमारा आंसर आ गया वन ठीक है तो ये प्लस वाला हो गया उसके बाद यहाँ लास्ट वाला कहता है थर्टीन अपॉन एटीन थर्टीन अपॉन एटीन डिवाइड बाई थर्टी नाइन अपॉन थर्टी सिक्स ठीक है अब यह डिवाइड का सिंबल है तो क्या होगा रेसी तो ये थर्टीन अपॉन एटीन मल्टीप्लाई छत्तीस ऊपर चला गया और थर्टी नाइन यहाँ आ गया अठारह के टेबल में दो बार में छत्तीस आता है और तेरह के टेबल में तीन बार में थर्टी नाइन आता है हमारा आंसर आ गया टू अपॉन थ्री ठीक है तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे और यहां पर इंक्लूड किया गया है बाकी के क्वेश्चन आप सभी कीजिएगा और कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ठीक है तो इस तरह से है अब देखिए एक पार्ट और आता है बोला गया है कि फाइंड टू अपॉइंटी मैंगोज सीधा सीधा ऑफ जहां होगा वहां पे क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई तो दोन मल्टीप्लाई फोर्टी है ना टेन फोर जा फोर्टी हमारे पास आ गया टू मल्टीप्लाई फोर इक्वल टू एट इज द आंसर ठीक है अब देखिए यहां पर है लास्ट वाला थ्री अपॉन सेवन ऑफ वन वीक ठीक है वन वीक में कितने सेवन डेज ठीक है आप देखिएगा बोला क्या कि थ्री अपॉन सेवन ऑफ वन वीक वन वीक में कितने सेवन डेज तो थ्री अपॉन सेवन ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई वन वीक का मतलब सेवन सेवन से सेवन कटा आंसर आया थ्री डेज ठीक है तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया ठीक है बाकी दो बचे ये इट्स योर होमवर्क ठीक है जिसको आप सॉल्व कीजिएगा ऐसे ही करके आगे आएंगे तो आप देखेंगे यहां पर बोला है कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन एंड पुट द राइट साइन अब देखिएगा यहाँ पे क्या कीजिएगा सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा ठीक है जैसे यहाँ दिया है थ्री अपॉन फोर और इधर दिया है फाइव अपॉन सिक्स करना क्या है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ठीक है तो ये आ गया हमारा अठारह फिर इसको करेंगे इधर लिखेंगे ये हमारा ऐसे हो गया ठीक है दो अगला आपसे खुद हो जाएगा ऐसे ही करना है अगर दोनों बराबर आ गए तो हमारा आंसर इक्वल का सिंबल देगा जो बड़ा होगा उधर बड़ा सा माउथ कर देना ऐसे जिधर बड़ा हो ठीक है जैसे ये ट्वेंटी बड़ा था अठारह से तो हम बड़ा सा माउथ इधर ओपन कर दिए अगर ये बड़ा होता तो बड़ा सा माउथ इधर ओपन होता ठीक है तो इस तरह से हमारा आंसर ये वाला आ गया है ऐसे ठीक है पहले ये करना होता है दूसरी बार ये करके इधर लिखना होता है ठीक है अब आते हैं आगे कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन इन टर्म इसको लोएस्ट टर्म में करना है तो आपको बताया लोएस्ट टर्म में कैसे करते हैं फिफ्टीन और सिक्सटी वैसे तो फिफ्टीन के टेबल में फोर जाता है साठ तो हमारा आंसर आ जाता है वन अपॉन फोर ठीक है लेकिन हम इस क्वेश्चन की बात करें कि हमारे पास थर्टी सिक्स अपॉन साठ दिया है और हमें नहीं पता वैसे तो छः के टेबल में दोनों आता है लेकिन हमें नहीं पता कि छः के टेबल में आता है तो फिर क्या वही मेथड साठ अंदर छत्तीस बाहर एक बार में छत्तीस यहां पर आ गया चार यहां पर आ गया दो ठीक है अब इधर ये वाला छत्तीस यहां उठ करके एक बार में थर्ट ट्वेंटी फोर ओहो यहां पर आ गया 24. अब हमने लिखा यहां 36. एक बार में 24 है ना यहां पे आ गया दो और यहां पर आ गया एक ठीक है अब यहां पर आ गया 24. दो बार में आ गया हमारा 24. पूरा पूरा कट गया हमारा एच क्या हो गया 12. ठीक है जब हमारा एच 12 आ गया है तो क्या करेंगे 36 अपॉन साठ और इधर डिवाइड बाई ट्वेल्व क्योंकि एच आया तो एच से डिवाइड करते हैं ठीक है यहां पे आ गया बारह तीन बार में छत्तीस और बारह पांच बार में साठ तो ये हमारा आंसर इस तरह से आ गया ठीक है तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं ये स्योर होमवर्क लेक्चर को पॉज करके सभी को सॉल्व कीजिएगा आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी ठीक है तो ये था हमारा पूरा पूरा आज का सेशन जिसमें मैंने फ्रैक्शंस के कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए ये हमारा बेसिक टर्म था बेसिक क्वेश्चन था जो कि आ, बिल्कुल बेसिक से जो लोग सीख रहे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए जो एडवांस वाले लोग हैं उनके लिए जल्दी ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में तो ये हमारा था रेगुलर क्लासेस लाइव क्लासेस भी होती है मेरे लर्निंग uh, पावर पे ठीक है आप uh, जुड़ सकते हैं वहाँ पर और कोई भी क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ठीक है लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके सब्सक्रिप्शन मुझे इनकरेज करते हैं अच्छे से अच्छा लेक्चर बनाने में तो आई होप कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे भी इनकरेजमेंट मिले और मैं अच्छे से अच्छे लेक्चर लेकर आपके लिए आता रहूं तो आज के सेशन को यहीं पर करते हैं ओवर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे।